Hi, I'm very excited to be here. My name is Altagracia Gomez, and I chair a conglomerate named PEO. I find inspiration to do my work in many different things, starting from our coworkers to our communities. But we would summarize it in one thing. We believe that purpose legitimizes power. And in doing so, our mission and our ambitions are always aligned. And we strive for creating holistic wealth. There needs to be two things that every leader in different sectors should have. The first thing is representation. So a leader should represent your values, your principles, and your goals. And it should be an aspirational thing to think about your leader. And the second thing that every leader should have is administration capabilities. This means to be able to solve problems, to determine which issues are urgent and which issues are very important, to be able to learn on the spot, and to be able to work as a team and be disruptive without being destructive. Please join our next seminar from our series, Catalyst of Change, Tuesday, July 18th. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the Catalyst of Change, Women Leaders in Science Seminar Series. Aaj hum sustainable business mein ek bahut hi khas leader, Altagracia Gomez Sierra ke vichar sunne wale hain. Aap Western Business Promotion Council ki aur Board of Directors of Grupo Minsa ki chair hain. Is program ka interpretation Spanish, French aur Hindi mein uplabdh rahega. Is interpretation ko access karne ke liye Zoom screen ke base par maujood translation button ko click karke अपनी पसंद की भाषा चुनें। ये सेमिनार लाइव स्ट्रीम है और सिमिट के वेबकास्ट पर उपलब्ध है और ये स्पेनिश में एसिमिट यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी होगा। हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमें लिंक्डइन, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हैशटैग विमेन इन साइंस का इस्तेमाल करके फॉलो करें। आप स्क्रीन पर QR कोड देखेंगे जो आपको स्लाइडो के लिए एक्सेस देगा ताकि आप स्पीकर के प्रेजेंटेशन के बाद उनके लिए क्वेश्चन और कमेंट सबमिट कर सकें और ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप चैट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं या और सवाल पूछने के लिए अपने हाथ उठा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के आखिर में हमारे स्पेशल स्पीकर की दिलचस्प बातचीत होगी इत्रिया के साथ। वो सिमिट में वीट केमिस्ट्री और क्वालिटी लेबोरेटरी को लीड कर रही हैं और विमेन इन साइंस की मेम्बर भी हैं। अब हम सिमिट के डायरेक्टर जनरल प्रेम कोवर्ट्स को वेलकम करना चाहेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस इवेंट को ऑफिशियली ओपन करें और हमारी खास मेहमान एक्टर का स्वागत करें। डॉक्टर गोवर्ट्स, अब आपने विचार रखिए। दूसरे वेबिनार में आपका स्वागत है। ये हमारा दूसरा वेबिनार है। साइंस के लिए ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन और जेंडर बैलेंस के लिए हमें विमेन लीडर्स से उनकी लाइफ जर्नीज, लेसन्स और इनसाइट्स के बारे में जानने के लिए और मौके देने होंगे। इस सीरीज में हम ऐसी महिलाओं को हाईलाइट कर रहे हैं जो हर तरह की कैपेसिटीज, फील्ड्स और डिसिप्लिन्स में लीडर्स हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि लीडरशिप स्टाइल्स कई अलग अलग रूप ले सकते हैं। आज के वेबिनार में आपके सामने आ रही हैं अल्टाग्रासिया गोमेज़ सिएरा, जिन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्टाग्रासिया ग्रुपो इंप्रेशनल पीओ की चेयरपर्सन है और ग्रुपो मिन्सा की बोर्ड की चेयर भी हैं। उन्होंने मेक्सिको में एस्कुएला लेबर दे ब्रेशो से 3 ऑनरेबल मेंशंस हासिल की हैं। अल्टाग्रासिया ने रॉयल एकेडमी एक्सफोर्ड से कई एकेडमिक प्रोग्राम्स भी पूरे किए हैं, जहां उन्होंने ब्रिटिश लॉ स्टडी किया। हाल ही में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में फाइनेंस और नेगोशिएशंस में 2 कोर्स किए हैं। पहले आप ग्रुपो एंटरप्रेन्योर की COE थी, जहाँ ये आज भी सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर काम कर रही हैं। आप एल्मर के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं और कॉन्ग्लोमरेट की एनर्जी डिवीजन को लीड कर रही हैं। आपने अपना करियर ऐसे नए सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के प्रति डेडिकेट कर दिया है
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैटलाइज करते हैं। आप चैनल 7 हेलिस्को पर एक वीकली टेलीविजन प्रोग्राम प्रोस्पिनियोस को भी होस्ट करती हैं, जहां आप स्टेट सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन अल्फोंसो गोमेज़ और कई खास गैम्बिस के साथ हेलिस्को के लोगों के आर्थिक हितों से जुड़े टॉपिक्स पर डिस्कस करती हैं। अल्टा ग्रासिया, आज आपने अपनी मौजूदगी से हमें यहाँ पर नवाजा है, जिसके लिए शुक्रिया, और जो लोग भी ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं उन सबका भी थैंक्स। मुझे यकीन है कि हम अल्टा ग्रासिया के कमाल के लीडरशिप एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखेंगे। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको मेरे साथ दो चीजों को बेयर करना पड़ेगा, मुझे कोल्ड हो रहा है इसलिए मेरी आवाज शायद उतनी साफ नहीं मिलेगी, पर मैं कोशिश करूंगी कि इंटरप्रेटर्स के हिसाब से बात कर सकूं। अगर मेरी बात बहुत साफ हो तो मुझे प्लीज, बहुत साफ ना हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। मैंने एक ऐसे कॉन्ग्लोमेरेट को चेयर किया है जो जो बैंक ऑफ मैक्सिको और सरकार के हिसाब से काम करता है। हम बहुत स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में डील कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमिक और दूसरी वैल्यूज हैं इस रीजन में, मैक्सिको में। आप जानते हैं कि ये मैक्सिको की एक स्टेपल खुराक है। सबसे पुअर लोगों को की 50% जो एनर्जी की डिमांड है वो इससे पूरी होती है। ये आमतौर पर मैक्सिकन्स के लिए है, लेकिन मेसो अमेरिकन्स भी इसे इस्तेमाल करते हैं। पिछले 30 साल से ये कंपनी चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे 70 साल पहले इसे कायम किया था। हमारे जो प्रतिद्वंद्वी हैं वो बहुत बड़े हैं, वो जर्मनी से हैं, अमेरिका से हैं, और अब चाइना से भी हैं। हम इन कॉम्पिटिटर्स का सामना नहीं कर पा रहे थे, कारण कई थे। अब हम इलेक्ट्रिकल बसेस की तरफ मुड़ रहे हैं और इसके लिए दूसरे देशों से भी मदद ले रहे हैं। इसके अलावा भी हम अलग अलग सेक्टर्स में जा रहे हैं। हमारे कुछ और भी प्लान्स हैं, जैसे कि थर्मोकोल प्लास्टिक, इन्हें हम मैक्सिको में डेवलप करना चाह रहे हैं। एक महिला के तौर पर हमें काफी चुनौतियां भी मिलती हैं और मौके भी मिलते हैं। हमने जिन सेक्टर्स में हिस्सा लिया उनमें सिर्फ पुरुषों का ही नहीं बल्कि बड़ी उम्र के लोगों का दबदबा था, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फाइनेंस, रियल एस्टेट। इनमें सब बड़ी उम्र के लोग दबदबा रखते थे।
अगर आप इन पर नजर डालें तो ये स्टार्टअप्स नहीं थे, इनमें यंग लोग नहीं थे, मैक्सिको के कुछ हिस्सों में तो महिलाओं की संख्या 11% से भी कम है। रियल एस्टेट में ये प्रतिशत 20% है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में तो ये प्रतिशत 8 भी नहीं है। मैंने जब बिजनेस में कदम रखा था तो ये एक फैमिली कंपनी थी। सबसे पहली बात हमने कंपनी के मिशन और एम्बिशन को समझा कि आर्थिक बदलाव लाना है। अब चाहे ये फैमिली बिजनेस हो जिसमें लेगेसी की बात हो, या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन हो या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, लेकिन सब जगह वैल्यूज को, गोल्स को तय करना बहुत मुश्किल है शुरू से ही, और फिर उन्हें हासिल भी किया जाए। आपकी जो आर्थिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो सामाजिक मूल्यों के साथ भी मेल खाने वाली होनी चाहिए। उन लोगों का भला होना चाहिए जो आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं। दूसरी बात है समस्याओं को हल करने की काबिलियत। किसी भी कंपनी में आपको एडेड वैल्यूज के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा सोसाइटी के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है। जब हम किसी प्रोजेक्ट में कदम रखते हैं तो ये ना सोचें कि आप क्या मिल सकता है इससे, बल्कि आप इसे क्या दे सकते हैं ये सोचें। आपको समस्याओं को एक एफिशिएंट तरीके से हल करना चाहिए। आप बड़ी पिक्चर के बारे में सोचें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बात बहुत जरूरी है। यहां मुझे लगता है कि महिलाओं को एक एडवांटेज है। हमारी हम पहले से ही सॉफ्ट स्किल्स के लिए ट्रेंड होती हैं। लीडरशिप पोजीशंस में हार्ड स्किल्स की नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल्स के ज्यादा फायदे होते हैं। बचपन से ही लड़कियों को एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनना सिखाया जाता है। और मुझे लगता है कि छोटे समय में या लंबे समय में इन गुणों को पहचान लिया जाता है। पीछे हमने देखा कि कोविड का पेंडेमिक आया, सप्लाई चेन टूट गई, इन्फ्लेशन हुआ, और पूरी दुनिया के दो स्ट्रक्चर्स को काफी चुनौती झेलनी पड़ी।
और दूसरी बात है कैपिटलिज्म। पिछले 30 साल से इन लीडर्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। लीडरशिप ने हमें फेल किया और ये समय है बड़े बदलाव का। तो ऐसे में महिलाओं के पास बहुत अच्छा मौका है, वो गरीबी दूर कर सकती हैं और लीडरशिप पोजीशंस में एंटर कर सकती हैं। ऐसा करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम डिस्ट्रक्टिव ना हों, कोई बाधा ना बने, बल्कि विकास करें। नए जो पूरी दुनिया में नए जॉब्स 76% जो हैं वो नए वेंचर से आते हैं। तो अगर हम कंपनीज को बदलना चाहते हैं तो हमें फैमिलीज को बदलने के बारे में सोचना होगा। हमें महिलाओं को, लड़कियों को मौके देने होंगे। तो मैं आप सबको इनवाइट करूंगी कि अगर आपके घर में गर्ल्स हैं तो आप उन्हें लीडरशिप रोल्स लेने के लिए तैयार कीजिए। और मेरा ये मानना है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद पूरी दुनिया में ही साइंस में खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं। आज की लड़कियों के लिए अच्छी बात यह है कि वो उनको काफी राइट्स मिले हुए हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी हैं और आर्थिक अधिकार भी हैं। मुझे लगता है कि इससे महिलाओं के लिए भी माहौल बदलेगा और बिजनेस के लिए भी माहौल बदलेगा। मेरे पास 2 मिनट हैं तो मैं आखिर में ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए काफी बड़े मौके मौजूद हैं। पहला है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे कंसोलिडेट करें। ऐसे काम पूरे करें जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आप ऐसी स्किल्स सीखें जिन्हें सीखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि स्पेशलाइज करें। और ये आपकी जो स्पेशलिटीज हैं ये अगले 5 से 10 साल में बहुत फायदेमंद साबित होगी। आपको इंक्लूजन के लिए भी काम करना चाहिए।
लोगों तक वो टेक्नोलॉजी पहुंचाएं जो उनके पास नहीं है, लोगों को एजुकेट करें जो एजुकेशन से महरूम है, अगले 4 से 5 साल में इन चीजों का बड़ा फायदा होगा और ये आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में इन चीजों का ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से मेरा 20 मिनट का समय पूरा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्टा ग्रासिया, या आपने अपने शानदार प्रेजेंटेशन किया। इससे पहले कि हम आगे सवालों के लिए बढ़ें, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम एट्रिया और मैं सिमिट के विमेन इन क्रॉप साइंस ग्रुप की एक मेंबर हूं। मैं अल्टा ग्रासिया का इंटरव्यू इसलिए करना चाहती थी क्योंकि आप एक डायनामिक यंग लीडर हैं और उनके नज़रिए मुझसे काफ़ी मिलते जुलते हैं। मैं शुरुआत आपसे इस सवाल से आपकी प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद और आपके प्रेजेंटेशन से पहले वाले वीडियो के बाद से पहले उसमें आपने कहा था कि बिना डिस्ट्रक्टिव हुए डिसरप्टिव हुए, तो क्या आप बता सकती हैं कि ये दोनों काम कैसे किए जा सकते हैं? आप इसका कोई उदाहरण दीजिए कि बिना डिस्ट्रक्टिव हुए डिसरप्टिव कैसे हुए और कैसे हों और कैसे बदलाव लाए। जरूर। मैंने जो कहा था मैं उसको सरल करके बता देती हूं। जब भी किसी व्यक्ति को सत्ता मिलती है, पावर मिलती है, इसकी सोसाइटी के लिए बड़ी कॉस्ट होती है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में बेनिफिट नजर आने से पहले नुकसान नजर आते हैं। जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके साथ कई फैक्टर्स जुड़े होते हैं, अगर कोई चीज पहले से ही हो और आप उसे स्क्रैच करें तो उसमें नुकसान हो सकता है और शायद प्रॉफिट ना हो। तो ये जरूरी है कि आप दूसरे लोगों के कामों को भी स्क्रैच ना करते रहें। मिसाल के लिए मैंने जो कंपनी 1950 में कायम की गई थी मैक्सिको में, उसका मकसद था भूख को दूर करना। उसमें सस्ते टॉर्टिया देने के बारे में सोचा गया। उसमें फॉलिक एसिड और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जोड़े गए ताकि बच्चों और औरतों को फायदा हो। लेकिन ये शहरों तक सीमित था, ये गांवों और सब अर्बन एरियाज तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसके अलावा एक और सब प्रोडक्ट है तो ऐसे में आपके पास 2 या 3 ऑप्शन होते हैं। जरूरी नहीं कि उनसे सारी समस्या हल हो जाए, लेकिन उनसे कुछ नियम,
नियमों का अनुपालन होता है। हमने एक प्रोजेक्ट करने का सोचा जिसका नाम था मीकैप। ग्वाडलाहारा मैक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हमने निहायोते के को बदलने का फैसला किया। इसे फोलिक एसिड को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक नुकसान पहुंचाने वाला सब प्रोडक्ट था। हम अपने ऐसे ज्यादातर प्रोडक्ट्स फ्रांस को बेचते हैं और नियमों का पालन करना चाहते हैं। तो ये आपकी सेहत के लिए उतना नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, लेकिन ये बहुत ठीक भी नहीं था। तो बिना डिस्ट्रॉय किए वैल्यू ऐड करने का एक तरीका है। जो लोग आपकी जैसी सोच रखते हैं उनके साथ भी और जो नहीं रखते हैं उनके साथ भी आपको काम करने की जरूरत है, और आपको समस्याएं हल करने की जरूरत होती है। हमने कुछ साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था। हमने तीन पार्टीज के साथ कनेक्ट किया जिनके अलग अलग इंटरेस्ट थे। इनमें कई कंपनीज थीं। उन्होंने कहा कि हम आपको अपने कुछ स्टैंडर्ड्स देंगे, प्रोडक्ट्स देंगे, ताकि आप हमारे हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को बना सके। ये शर्तें दोनों तरफ थीं कि अगर आप हमें ये देंगे तो हम आपको ये देंगे, और शर्त थी कि उसको किसी और को बेचा नहीं जाएगा। उससे कंपनी को इनकम भी ज्यादा हुई और मैक्सिको में हजारों लोगों को, हजारों परिवारों को फायदा भी पहुंचा। तो ये भी वैल्यू ऐड करने का एक तरीका है। ये आपका एग्जांपल बहुत ही अच्छा है। आप यकीनन ही कई बोर्ड रूम्स का हिस्सा बनने वाली चंद महिलाओं में से एक रही होंगी। आप ये कैसे सुनिश्चित करती हैं कि रूम में कई दूसरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज होने के बावजूद आपकी बात सुनी जाए? मैं बहुत लकी रही हूं, लेकिन मैं हमेशा कहती आई हूं,
कि मैं पहले अपने प्रिविलेज को पहचानती हूँ। मैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली से आई हूँ और इससे काफी आसानी हो जाती है। मैं इस समय 31 साल की हूँ और इस कंपनी की 24 साल से चेयर रही हूँ और काफी हाई पोजीशंस होल्ड करती आई हूँ। तो मैं जिस कंपनी से जिस फैमिली से जुड़ी होती हूँ तो मेरे लिए दरवाजे खुलने लगते हैं, लेकिन लोगों को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि मैं बहुत गर्ली गर्ली गर्ल हूँ। लोग जब आपसे मिलते हैं तो वो अपनी उम्मीद के हिसाब से सोचते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों की सोच का तरीका बदल सकते हैं। अगर मेरे कॉन्टैक्ट्स की वजह से मेरे लिए दरवाजे खुलते हैं तो मैं उन दरवाजों को खुले ही रखने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि महिला होने की वजह से मेरी बात नहीं सुनी गई। शायद लोगों को मेरे वुमन होने से हैरानी होती है, मेरी पर्सनैलिटी से हैरानी होती है। पर मुझे लगता है कि ऐसी बातें आपके फेवर में ही होती हैं, क्योंकि जब आप लोगों को फेवरेबली सरप्राइज कर सकते हैं तो वो चीज आपके फायदे में ही जाती है। मेक्सिको और कई दूसरे देश इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी, मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अपने जज्बे का इस्तेमाल करना चाहिए, तब वो लीडर बन सकती हैं। आपने कहा कि मैक्सिको के हर हिस्से में महिलाओं के लिए स्थितियां एक सी नहीं हैं। क्या आप अपने देश में, अपने काम में और महिलाओं के लिए जो सिचुएशन है उसमें कुछ बदलाव महसूस किया है? तो उसमें कुछ सुधार आया है या कोई सुधार नहीं आया है? इस सवाल का जवाब हाँ भी है, ना भी। अगर आप हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जवाब होगा नहीं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में 10% महिलाएं, इनमें से 5% से भी कम उन्हें चेयर करती हैं। और अगर आप
एस्टिमेशन वगैरह बदल सकते हैं अगर नॉन प्रिडिक्टेबल वॉइस हो तो? पहली बात यह है कि मैक्सिको में एक फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है, अब ऐसी लड़कियों की संख्या बढ़ रही है जो इंस्पिरेशन बन रही हैं। हम धीरे धीरे लड़कियों के लिए रोल मॉडल्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। पचानवे फीसदी लड़कियों से अगर ये पूछें कि उनका रोल मॉडल कौन है तो वो किसी पुरुष का ही नाम बताती हैं, किसी महिला का नहीं बता पाती हैं। पर मुझे लगता है कि जहां 90% कंपनी फैमिली ओरिएंटेड हैं, वहां बदलाव तो लाया जा सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। पर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आपने बताया कि आप ये बताइए कि आपकी कौन सी इंस्पिरेशन है, किसने आपको इंस्पायर किया? मैं इस मामले में लकी रही। मेरी इंस्पिरेशन थी मेरी दादी, उनके साथ बेटे और बेटियां थीं। वो एक कमाल की फाइटर थीं, मेरे लिए बेहतरीन मिसाल थीं। लेकिन मेरे मेंटर थे मेरे पिताजी। उन्होंने छोटी सिर्फ 13 साल की उम्र से मेरी मेंटरिंग शुरू कर दी थी। मैं उनके साथ काम किया करती थी। लेकिन मैं इसके अलावा और भी कई कमाल की विमेन से मिली हूं। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो हमारे बिजनेस से छोटे हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा पड़ रहा है। जिन लेडीज ने बिजनेस वगैरह में अपने आप को जमाया, उनकी उम्र मुझसे दोगुनी है। शुक्रिया। अब मुझे दूसरे लोगों के लिए भी फ्लोर ओपन करना होगा। क्या आपने अपने कोलीग्स के बर्ताव में आपके प्रति बदलाव देखा है?
मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करती हूँ उसे एक स्लिपरी स्लोप कहा जा सकता है, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स और सोशल हैबिट्स के साथ रहना पड़ता है। सरकार के साथ हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिश्ता है। हम सरकार से बात करते हैं और उनके साथ पब्लिक पॉलिसी को एस्टैब्लिश करते हैं। कुछ सेक्टर्स मैक्सिकन बिजनेस में बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन आपके भी अपने इंटरेस्ट होते हैं और आप अपने इंटरेस्ट को पब्लिक पॉलिसी पर इम्पोज नहीं कर सकते, और इसके लिए बहुत नाजुक संतुलन बनाना होता है। ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एक चुनौती जरूर है। सरकार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका विरोध करते हैं, कुछ उसके हक में बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पब्लिक पॉलिसी के साथ तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर बदलती सरकार के साथ कुछ सहमति प्रकट करने वाले लोग होते हैं, कुछ सहमत नहीं होते हैं। बातचीत करते रहना बहुत जरूरी है, चाहे हालात आपके हक में हों या विरोध में हों। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपका इंटरव्यू लेकर बहुत खुशी हुई। अब इजाबेल और कुछ सवाल पूछेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इट्रिया और अल्ट्राग्रासिया की तारीफ करना चाहेंगे। यहाँ आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है, आप इसे स्कैन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जॉर्जीना मीना, आप अपना कैमरा और ऑडियो खोलिए, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, पर मैं एक ही सवाल पूछ रही हूँ। मैंने आपको ये कहते सुना है कि इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, तो क्या आप इसकी कुछ मिसालें बता सकती हैं?
सिर्फ विमेन के लिए नहीं, दूसरे ग्रुप्स के लिए भी। शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। मैं आपको सबसे अहम मिसाल देती हूँ जो विमेन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, लेकिन इसका महिलाओं को ज्यादा फायदा होगा। आप अगर उन सेक्टर्स को देखें जिनमें मैं पार्टिसिपेट करती हैं, तो आप अगर मैक्सिको में हैं तो इससे परिचित होंगे। विमेन को सोशल सिक्योरिटी से या दूसरी सिक्योरिटी से सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो एक फॉर्मल सोसाइटी या इकोनॉमी में जाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अच्छी कंडीशंस पर उसमें दाखिल हों, हम स्मॉल मीडियम और लार्ज फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स को एक अलग तरीके से फाइनेंस देते हैं। इन लोगों के पास फिक्स्ड एसेट्स नहीं होती हैं ताकि ये लोन ले सकें, लेकिन उनकी उपज तो होती है और उस हार्वेस्ट की कुछ कीमत होती है। ये कई चीजें हो सकती हैं, गिरियां हो सकती हैं, शहद हो सकता है, श्रिम्प हो सकता है, गेहूं या मक्का या कुछ भी। हम इस उपज को लेते हैं और उसे प्लेज करते हैं इस तरह। हमने इन प्रोड्यूसर्स को शामिल करने, एक फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल करने का एक बढ़िया तरीका ढूंढा है। इससे उन्हें रीजनेबल स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट तक पहुंच हासिल होती है। इससे उन्हें एक वर्किंग कैपिटल मिल जाती है। हमने इसके लिए स्पेशल परमिशन ली थी सन 2000 में। मैंने आपको ये जो रकम बताई है, इसमें से काफी बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी से आता है। हमें अपने काम वाली जगह तक जाने में तीन तीन चार चार घंटे लगते हैं, और फिर भी उम्मीद की जाती है कि परिवार की जिम्मेदारियां हम लोग उठाएं। और हम इस समस्या को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। माइग्रेशन वाला ये फिनोमिनन पूरी दुनिया में ही हो रहा है।
यूरोप में भी और अमेरिका में भी। जो महिलाएं देहाती इलाकों से शहरों की तरफ आती हैं तो उन्हें काफी हिंसा झेलनी पड़ती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ सम्मान मिल सके। इस तरह से इमिग्रेंट्स को लीगल तरीके से मैक्सिको में रखा जाता है, रखा जा सकता है। इस तरह से आप रोटेशन लेवल को कम रख सकते हैं। इस तरह से उनका स्टे भी लीगल रहेगा। लोग इस बात को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि शिक्षा उनके किसी काम नहीं आ रही है। इसीलिए हम युवा लोगों पर फोकस करते हैं। अगर हम उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होगी। और इस तरह से मुझे लगता है हम बहुत से लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपकी बातचीत बहुत ही दिलचस्प लग रही है। अब स्लाइडो एप्लीकेशन के जरिए जो सवाल आया है उसे पूछते हैं। आप साइंस के फील्ड में काम कर रही हैं और आपने खुद को गर्ली भी कहा, तो आपके पास कोई ट्रिक है क्या? मुझे लगता है कि आपको भरोसा करना सीखना होगा। मुझे लगता है कि समाज अब पहले से कम जजमेंटल होता जा रहा है, पोशाक को लेकर भी, और इस चीज को आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपने काम पर खुद पर विश्वास होना चाहिए। आपकी ड्रेस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप माहौल को सम्मान दीजिए।
लोगों को अनकंफर्टेबल मत बनाइए, लेकिन खुद को भी अनकंफर्टेबल मत होने दीजिए। मुझे लगता है कि ये एक कुदरती टिप है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब नियोमी आपसे सवाल पूछना चाहेंगी। शुक्रिया शुक्रिया अल्टाग्रासिया, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, वो बहुत मोटिवेटिंग थी महिलाओं के लिए। मेंटोर के तौर पर आप महिलाओं को लीडरशिप और प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में क्या बताना चाहेंगी? एक जनरल एडवाइस देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एडवाइस देने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए। जो महिला आपसे ऐसी सलाह मांग रही है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आमतौर पर मैं ये कहना चाहूंगी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से निभाएं, जिससे आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। पर मैं ये भी कहना चाहूंगी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने लक्ष्य पता होने चाहिए। मैंने इस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कहा था कि मैं कंपनी के विजन को देख पाई। हमने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स के बजाय लेगेसी पर ध्यान दिया। मैं आपको और सुनने वाली महिलाओं को कहना चाहूंगी कि आप अपने लक्ष्य के बारे में जानें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो उसे पाने के लिए आपके पास कई रास्ते होंगे। और उन गोल्स को पाने के लिए आपको अपने इंटेग्रिटी प्रिंसिपल्स और वैल्यू को इंटैक्ट रखना होगा। जब आपका लक्ष्य साफ होगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगले 5 से 10 साल में जिंदगी कहाँ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि जिंदगी कहाँ जाएगी। अगर आप अपना प्लान या गोल बदलना चाहते हैं तो आप उसे हमेशा बदल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर काम करना बहुत जरूरी है, लेगेसी का ध्यान रखना जरूरी है, और आप कम्युनिटी के बारे में भी सोचें। स्पेनिश में कहावत है, अगर ज्यादा के बारे में सोचें तो सबके बारे में सोचें। ऐसी सोच रखेंगे तो आपको अच्छे समय में ही नहीं बल्कि बुरे समय में भी मदद मिलेगी। एक लीडर बनने के लिए ये जरूरी है कि आप उस दिशा में काम करें और लीडरशिप का एटीट्यूड रखें।
लीडरशिप हमेशा जुड़ी होती है कम्युनिटी के साथ और काम के साथ। अपनी लेगेसी को मत भूलिए, मैं फिर कहना चाहूंगी। आपके जवाबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे वेबिनार में 200 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। ये बहुत ही इंस्पायरिंग सेमिनार है। तो मैं सब लोगों को कहूंगा कि आप भी डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच का फर्क समझें। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सब अगले सेमिनार के लिए आप सबको इनवाइट करता हूं।